स्टूडेंट वेलकम टू माई क्लास. टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 6 दैट इज चेंज अराउंड अस पार्ट 2 फॉर 6 साइंस. इन अवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट चेंजिंग. देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजिंग, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजिंग. सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट देखिए हमारे पास कही है मेल्टिंग है, जो हमारी ओरिजिनल स्टेट है आइसक्रीम की फ्रीज है मेल्ट हो जाती है. दोबारा अगेन फ्रीज करेंगे तो इसी पोजीशन में आ जाती है. इट मीन्स ये कैसा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है. लाइक दैट यहाँ पे हमारे पास मेकिंग चपाती, जैसे चपाती हम बनाते हैं तो ये इस पोजीशन में होती है, हमारी शेप होती है, फिर देन ये चेंज हो जाती है सब्सटेंस. ओरिजिनली ये होता है फ्रीज चेंज सब्सटेंस है, दोबारा हम इसको इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते. इट मीन्स क्या है, इरिवर्सिबल चेंज होता है. सेम लाइक दैट जैसे हम बैलून्स को फुलाते हैं, दोबारा उनके हम क्या है उनकी हवा निकाल सकते हैं और इस पोजिशन के अंदर उनको ले आ सकते हैं. दैट आर नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस. ऑल्सो वी यूज़ किया हम पेंसिल और इरेजर यूज़ करते हैं. ये पेंसिल को हमने क्या किया, यूज़ किया. इरेजर को भी यूज़ किया, दोबारा हम इस चीज़ को इस पोजीशन के अंदर नहीं ले के आ सकते. इट मीन्स दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस. इट मीन्स जो अपने ओरिजिनल पोजीशन के अंदर नहीं आ सकते, दैट आर नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस. फ्रीजिंग, जैसे हम ऐसे ही वाटर होता है, वाटर को फ्रीज में रखते हैं तो क्या आइस बन जाती है. दोबारा हम उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो अगेन वो लिक्विड फॉर्म में हमें मिल जाता है. दैट आर ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस. जैसे जूस होता है, हम जूस बनाते हैं, ये हमारा क्या होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस होता है, हमारा जूस बन सकता है. दोबारा हम इसके अंदर तो इसको चेंज नहीं कर सकते. इट मीन्स ये कैसा हमारे पास रिवर्सिबल चेंज होता है. नाउ ये मेकिंग कर्ड, हम दूध से क्या बनाते हैं स्टूडेंट, कर्ड बनाते हैं. इट मीन्स ये भी कैसा रिवर्सिबल चेंज है, ये दोबारा हमें कर्ड से हमें दूध तो नहीं मिलने वाला. इट मीन्स ये भी क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है. ये बर्निंग ऑफ अगरबत्ती जलती है तो हमें क्या मिलती है, ऐश मिलती है, गैसेस मिलती है. ओके, इट मीन्स इट इज इरिवर्सिबल चेंज. नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जब उसको हीट अप करते हैं वो इंक्रीज हो जाता है, उसका साइज एक्सपेंड हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन बोलते हैं. उसका साइज क्या होता था, साइज जब डिक्रीज हो जाता है वो क्या, जब वो ठंडा होता है, दैट आर नोन एज कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपेंशन अकर्स ऑन हीटिंग, वे जो कॉन्ट्रैक्शन अकर कैसे, कूलिंग से होता है. और ये भी हमारा कैसा होता है स्टूडेंट, ये रिवर्सिबल प्रोसीजर होता है, मतलब दोबारा उसी सेम पोजीशन के अंदर चेंज हो जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर. जैसे यहाँ पे देख ली, सोयल डिगिंग के लिए हम कुछ टूल यूज़ करते हैं, जैसे हैंडल यूज़ करते हैं, तो ये हैंडल है इसको क्या किया जाता है, पहले इसको हीटअप किया जाता है. हीटअप करने के बाद जो ये आयरन, ये क्या हमारी जो वुड है, वुडन का जो हैंडल है उसके अंदर इसको डाल दिया जाता है, फिर इसको ठंडा कर दिया जाता है. इसके अंदर अच्छे से क्या होता है, फिक्सअप हो जाता है. इट मीन्स कैसा चेंज है, ये रिवर्सिबल चेंज होता है हमारा. जैसे यहाँ पे टूल देख सकते हो ना, हमारी जो हमारे क्रॉप्स के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, सोयल की डिगिंग के लिए, खोदने के लिए, डिफरेंट जो हमारे क्या आते हैं टूल्स का हम यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट वी है हाउ आयरन ब्लेड इज फिक्स्ड विद वुडन हैंडल्स. को कैसे फिक्स किया जाता है, रिंग प्रेजेंट ऑन द आयरन ब्लेड इज मेड स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल. इसके साइज से इसको थोड़ा स्मॉलर बनाया जाता है और फिक्स कर देते हैं इसको. जब इसको हम हीटअप कर देते हैं, इस एरिया को हम हीटअप कर देते हैं, इसके अंदर ये वुडन का जो क्या है हमारा वुडन हैंडल ईजिली इसके अंदर चला जाता है. जब ठंडा हो जाता है बिल्कुल इसके अंदर फिट हो जाता है, हम कोई भी वर्क उससे अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं. जैसे हमने क्या किया, सोयल को डिगिंग कर रहे हैं. ओके, नाउ ऐसे ही फिक्सिंग मेटल रिम ऑन वुडन व्हील. मेटल रिम इन इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन वुडन रिम. क्या होता है, ये हमारी क्या मेटल की रिम होती है, स्मॉल बनी होती है इसे वुडन व्हील से. इसको जब ऐसे ही हम हीटिंग करते हैं, जो रिम कैसे एक्सपेंड हो जाता है धीरे धीरे धीरे, और देन क्या करते हैं, देन वी प्योर कोल्ड वाटर ओवर रिम ड्यू टू विच रिम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. प्योर वाटर डाल देते हैं इसे धीरे धीरे ही, और देन वो अपना क्या हो जाता है, वो बिल्कुल टाइट हो जाता है रिम, देन फिट टाइटली ऑन द इस व्हील के अंदर, पहिए के अंदर बिल्कुल टाइटली फिटअप हो जाता है. एंड देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल चेंज होता है. हम ये डिफरेंट यूज़ करते हैं हमारे किसके अंदर, बुलकॉर्ड के अंदर. सो वी कैन ब्रिंग चेंजेस इन सब्सटेंस बाय अप्लाइंग फोर्स. से हम चेंज कर सकते हैं, हीटिंग से चेंज कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर चेंज करने, मिक्सिंग वन अदर सब्सटेंस को, और अप्लाइंग प्रेशर अप्लाई करके उसको चेंज कर सकते हैं. सो स्टूडेंट यही हमारा चैप्टर था, हमने डिस्कस किया कैसे हम वुडन व्हील को करते हैं, जो हमारे सोयल के डिफरेंट टूल्स होते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, और क्या होता है जैसे डिफरेंट क्या होते हैं, मेल्टिंग कैसे होती है हमारी, और इरिवर्सिबल चेंज किया, रिवर्सिबल चेंज किया. जैसे हम किसी चीज़ को और
जो रिवर्सिबल चेंज वो होता है जिसको हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर लेके आ सकते हैं, रिवर्सिबल चेंज वो होता है जिसको हम ओरिजिनल पोजीशन के अंदर लेके नहीं आ सकते। सो स्टूडेंट्स, यू रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली, हैव यू एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।